वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो सुबह मेरा एक योगा क्लास था, वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद से घर का सारे काम मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। घर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, साफ़ सफाई सब कुछ हुआ है और कपड़ा भी भिगो के रखा है, वो भी धो देंगे। और आप लोग तो जानते ही हो कि घुटू का तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब है, इसलिए आज घुटू का पूरा दिन टेक केयर मैं करने वाली हूँ। ऐसे ही कुछ दिन उसका टेक केयर करना पड़ेगा क्योंकि उसका तबीयत ख़राब है। तो आज चलो पहले सुबह उसको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। काम तो पूरा हो चुका है, अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा फिर घुटू को दूंगा। तो चलो चलते किचन पे और ब्रेकफास्ट बनाते। ब्रेकफास्ट के लिए मैं इधर ले लिया हूँ बिस्किट, केला, खजूर और इधर है ड्राई फ्रूट्स। अभी इसमें जाएगा दूध। तो चलो गुड्डू के पास लेकर जाते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट। गुड्डू ये लो सुबह का ब्रेकफास्ट। बाप रे बाप, सारा हाँ ताकत मिलेगा, पहले ही खा लो तुम। चीनी को खाना दिया? हाँ चीनी को दिया। अभी थोड़ा जाना पड़ेगा बाजार क्योंकि दो तीन दिन से घर पे नहीं थे, इसलिए आज बाजार करना पड़ेगा अच्छे से एकदम। तो इसीलिए मैं बोला था कि चलो मैं ही बाज़ार करके लेके आती हूँ, लेकिन गुटू ने बोला नहीं मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मेरा बाज़ार करने से उसका नहीं होता है। हाँ वो देख देख के नहीं लेके आ सकता, इसलिए मैं उसके साथ जाऊँगी। मैं तभी तभी थोड़ा ठीक है, तो सुबह से बाबा ने सब काम कर रहा है इसलिए ज़्यादा मुझे परेशानी उठाना नहीं पड़ रहा है। तो चलो सामने ही बाजार है तो जाएंगे, कुछ लेके आते हैं। हाँ गुटू अगर जाते हैं तो मुझे भी अच्छा होता है, मतलब मैं थोड़ा देख के क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए वो मुझे समझ में नहीं आता है। सिर्फ वो जो बोल देता है मैं वही उठा के लेकर आ जाती हूँ। तो फिर मैं बोलता हूँ कि वो भी देखा था बाजार, वो तब बोलेगा कि तो वो क्यों नहीं लेकर आए, इसलिए उसको ही लेकर मैं जा रही हूँ। तो गुटू जाएगा तो और भी अच्छा होगा। अभी चीनी को लग रहा है हम लोग उसको छोड़ के फिर से चले जा रहे हैं, इसलिए पैर में ऐसे ऐसे कर रहा है देखो। एक्चुअली वो भी मतलब थोड़ा हम लोगों को मिस किया, दो तीन दिन हम घर पे नहीं थे तो उसको भी अच्छा नहीं लगा है ना। चीनी देखो बड़ा हो गया है, धीरे धीरे बहुत ही बड़ा हो रहा है, है ना। चलो घर पे रहो, हम लोग बाजार से आते हैं बाबा। तो चलो अभी थोड़ा बाजार चलते हैं। बाजार से आने के बाद मैं नहा के एकदम बिस्तर पे आके बैठ गई हूँ और बाबा ने घर का पूरा काम किया है। तो चलो दिखाते हैं बाबा ने क्या क्या काम किया है और अभी क्या कर रहा है। इधर देखो बाहर पूरा कपड़े और कपड़े पूरा कपड़े धो के एकदम बाहर दे दिया है धूप में, और पूरा घर देखो पूरा क्लीन किया है। और अभी देखो बना रही है यहाँ पे पकोड़ा। किसका पकोड़ा बना रही हो पापा? कोचू मार कोचू। और यहाँ पे भाजा ऑलरेडी हो गया है फ्राई, और चावल भी हो गया है, दाल भी हो गया है, यहाँ पे हो गया हो रहा है पकोड़ा। देखो नहा के आने के बाद पकोड़ा तल रहा है, मतलब मेरा ये हेयर भी ठीक से नहीं कर पाया। नहा के आके एकदम खाना बना रही हूँ, खाना वगैरह पहले ही हो गया था लेकिन अभी थोड़ा गर्म गर्म फ्राई कर रहे। हाँ सुबह से उठ के एक भी काम नहीं किया और सिर्फ उठ के बैठा और बाबा ने एक के बाद एक खाना दे रहा है और इतना टेक केयर कर रहा है। सुबह उठ के बाबा ने आप लोगों को तो देखा ही क्या दिया है, दूध आमंड सब ये सब खाया। फिर उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर बाज़ार गए। बाबा ने बोला था बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, तुम घर पे रुको मैं जाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी जीत करके गए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाज़ार से आने के बाद बाबा ने बोला सीधे जाओ नहाओ और बेड पे जाके चुपचाप बैठ जाओ, पढ़ाई करो नहीं तो फ़ोन देखो, जो भी करना है करो लेकिन तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं एकदम सुबह से कोई काम नहीं किया और बाबा सुबह से लेके अभी तक काम कर रहा है और मैं सुबह से लेके बैठ बैठ के एकदम खाना खा रही हूँ, चीनी के साथ थोड़ा खेल रही हूँ और आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। अभी तो अभी है लंच और अभी पहले चीनी को खाना देगा, फिर हम दोनों बैठ के लंच करेंगे, फिर मेरा दवाई है दवाई लेंगे, फिर रेस्ट लेंगे। तो चलो अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले लंच कर लेते, बहुत तेज़ भूख लग गई है। तो जल्दी जल्दी लेके आओ लंच, मिलते हैं बाद में। दोपहर को खाने के बाद हम दोनों ने एकदम सो गया क्योंकि वेदर थोड़ा अच्छा है, इसलिए एकदम चैन का नींद। और सुबह मेरा योगा क्लास भी था इसलिए 5:30 बजे मुझे आज उठना पड़ा और नींद भी आ गया।
लेकिन अभी गुड्डू क्या कर रहा है चलो दिखाते हैं। गुड्डू देख सो रहा है, उसको मैं थोड़ी देर बाद बुलाऊंगी, फिर जाके उसके लिए कुछ खाना लेकर आऊंगी। गुड्डू गुड्डू अब्बा हुआ है नींद, उठ जाओ, शाम हो गया है और नहीं सोना चाहिए, ठंड लग रहा है तो उठ जाओ, उठ के पानी पियो। उठी और बेल का शरबत खाओगे? खाबो तो। चलो उठ जाओ उठ जाओ। चलो मैं बेल का शरबत बना के लेकर आती हूँ, हाँ तुम उठो। ठीक है चलो। तबीयत कैसा है अभी? अच्छा है, दवाई का डोज इतना ज़्यादा है वो खाने पे सिर्फ नींद ही आता है, इतना हेवी है दवाई। तरह दवाई है ना। चलो 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 उठ जाओ। ठीक है। बना रही हो या खा रही हो खुद? बनाता बनाता खा रही हूँ। बाप रे बाप, तुम खाओगे? नहीं, तुम खाना खा लो फिर बनाओ फिर मुझे दो, ठीक है ना? मैडम जी पकड़ो, कैसा हुआ है बताओ? और आज दही देके भी बनाया है, लेकिन और भी चीनी होगा। चीनी नहीं, शक्कर और ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा ही खाना चाहिए। तुम पी लो, थोड़ा है मेरा वो पी लेता हूँ। ये पूरे का पूरा तुम्हारा है। ये हेलो, खुद खा रहा है रात में चावल। बोलो। मेरा खाना हो ही गया है, गुड्डू का बॉडी में थोड़ा टेम्परेचर है तो मैं बोला कि चलो आज रोटी बना के देते और मैं चावल खाती हूँ। हाँ खा लो गर्म गर्म खा लो। मुझे यही खाना पड़ेगा, दूध और रोटी। देखो इधर देखो, चीनी को देखो, चीनी का भी रात का डिनर है दूध रोटी, देखो वो तो खा ही नहीं रहा है, इधर इधर घूम रहा है। चीनी खा लो चीनी। हाँ गुड गर्ल, देखो देखो गुड गर्ल। वैसे तो मुझे ये सब दूध वगैरह खाना पसंद नहीं है, लेकिन अभी क्या करें, अभी थोड़ा फीवर फीवर लग रहा है तो इसलिए दूध रोटी खाना पड़ेगा रात को। तो चलो ख़त्म कर लेते हैं ये डिनर, फिर आप लोगों से मिलते हैं। देखो मैडम जी को देखो, 11:30 बज रहा है और अभी किताब लेके पढ़ रहा है। अभी तक क्यों नहीं सो रहे हो? अभी तक मैंने नहीं सोया, 11:30 तुमने गलत बोला। 11:30 से ज़्यादा मतलब लगभग 11:30। तो मैं दोपहर को सोई थी इसलिए अभी मुझे नींद नहीं आ रहा है, अभी मैं पढ़ाई करूँगी। मतलब आप लोग गलती से भी ये मत सोचना कि गुड्डू एकदम शाम से 11:30 तक अभी पढ़ रहा है, इतने देर तक फ़ोन देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही वो पढ़ाई कर रहा था। मतलब जब भी मेरा मूड होएगा तभी मैं पढ़ाई होएगा क्या है, तभी मैं पढ़ाई करूँगी। और मैं जब पढ़ाई करूँगी मुझे डिस्टर्ब मत करना। डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? चलो और नहीं पढ़ना है, अभी सो जाओ, नहीं तो रात और भी हो जाएगा तो तबीयत खराब होगा धीरे धीरे। नहीं मुझे और भी, ये जो है ये इधर हो रहा था, अब ये क्वेश्चन पढ़ लूँगी तो हो जाएगा, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ठीक है पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, चैप्टर कंप्लीट होने पे फिर मैं सोऊंगी। चीनी चीनी को छोड़ो, तुम पढ़ाई करो और मैं दवाई लेकर आती हूँ। दवाई खाना तो भूल गई मैं। चलो मैं लेकर आती हूँ, तुम पढ़ो। ये लो टैबलेट ले लो, ले लो दवाई खा लो, पकड़ो पानी लो। कितना बड़ा बड़ा है देखो, ऐसे ही लगता है जब भी किसी का तबीयत खराब होता है उसके पास ये टैबलेट दुगना लगता है ना। कोई मीठे मीठे चॉकलेट जैसा दवाई नहीं हो सकता है जैसे? हाँ ये तो चॉकलेट ही है, तुम सोचो कि ये चॉकलेट है फिर एकदम खा लो। देखो कैसे ऐसे ही करता है, टैबलेट खा के एकदम आंखें एकदम बंद करके क्या करता है। एक साथ दोनों टैबलेट खा लिया,
इतना मतलब डांटती हूँ फिर भी उसको मैंने होता नहीं है ना। तो क्या करूँ, अभी खाओ फिर बाद में खाओ, इसलिए बाद में ही खाना चाहिए। खाने का 10 मिनट मिनिमम बात खाना चाहिए, एक साथ दोनों नहीं खाना चाहिए। कल से वैसे ही खाऊं? कल से तो तुम हर रोज ऐसे ही बोलते हो, आज से तुमको मैं ये सब बोल रही हूँ। गलती हो गया, कल से मैं पक्का ऐसे ही करूंगी। ठीक है ठीक है, याद रहेगा ना पक्का वाला? पक्का वाला। ठीक है चलो पढ़ाई करो, जितना खत्म है करना है वो खत्म करके सो जाना है। सो जाना है, पहले चीनी को छत पे लेके जाना है। तो चलो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ अभी हम लोग थोड़ा छत पे आए हैं चीनी को लेके, और चीनी अभी टहल दे रहा है छत में। ऐसे मतलब इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं बदमाश हुआ है ना, ऐसे तिरिंग बिरिंग करके दौड़ रहा है पूरा छत में, एकदम चक्कर लगा रहा है। सोचो ए हम लोग आए हैं 2 मिनट हो गया, लेकिन उसका 10 चक्कर लगाना हो गया छत का पूरा, 10 से भी ज़्यादा। ऐसे ऐसे करता है ना, क्या बताया, जितना बड़ा होते जा रहे हैं उतना बदमाश होते जा रहे हैं बहुत। और अभी हमारे जैसे देखो एरोप्लेन जा रहे हैं, और इस ठंड ठंड मौसम में छत पे बैठना अच्छा ही लगता है, लेकिन अभी बैठने का टाइम नहीं है, बहुत रात हो चुका है। सिर्फ चीनी की वजह से हम लोग छत पे हैं, तो हम लोग 5 मिनट रुकेंगे, उसके बाद चीनी को लेकर नीचे चले जाएंगे। हाँ उसका सुसु बॉडी जो भी करना है वो कर लेगा उस 5 मिनट में, फिर हम लोग तीनों ही नीचे जाएंगे और नीचे जाके एकदम सो जाएंगे। तो चलो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर ही एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो चलो टाटा बाबा एंड गुड नाइट।